सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं 1899 सीरीज के एपिसोड नंबर 4 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें लूसियन और जेरोम की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो लोग एक्चुअल में वॉर में लड़ चुके हैं। ये लोग फ्रेंच आर्मी के लिए काम कर चुके हैं और एक मिशन पे जब इनका कमांडर मर जाता है तब लूसियन उसकी आइडेंटिटी लेने का डिसाइड करता है। और वो ये लिए करता है क्योंकि वो ये उम्मीद लगाए हुए होता है कि उसकी आइडेंटिटी लेने की वजह से लूसियन की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जेरोम इस चीज के अगेंस्ट होता है, इस चीज का अपोज करता है, बट लूसियन उसे एक पिंजरे के अंदर डाल देता है। इसके बाद जेरोम की आंख खुलती है, सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि आइक और रेमिरो भी उनके साथ कैद होते हैं वहां पे। इसके बाद रूम के अंदर फ्रेंड्स आता है जिसने करंटली शिप की कमांड अपने हाथ में ले रखी है। वो ओलेक और जेरोम को अपने साथ ऊपर ले जाता है जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज हैं एंड वो उन दोनों को उन सारी डेड बॉडीज को पानी के अंदर फेंकने का ऑर्डर देता है। वो दोनों ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर शिप के पैसेंजर्स को उन्हें उनके ही केबिन्स के अंदर रहने की सलाह दी जा रही होती है। सीन शिफ्ट होकर मोरा और उस बच्चे की तरफ जाता है, उस मिस्टीरियस बच्चे की तरफ जाता है जहां पर मोरा उसे बोलती है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूं। दूसरी तरफ विलियम फ्रेंड्स को बताता है कि उनकी शिप मिस्टीरियसली पता नहीं कैसे बट ईस्ट में आ गई है जहां पर ये लोग 3 दिन पहले थे और प्रोमीथियस शिप का भी आसपास कोई अता पता नहीं है। बट लकीली कंपास काम कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्रेंड्स सारे क्रूमेट्स को प्लान के अकॉर्डिंग चलने को बोलता है और शिप को वेस्ट डायरेक्शन में मोड़ने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लोअर डेक में फ्रेंड्स के बंदे लोअर डेक वाले रेबल्स अपने सेबेस्टियन से पूछ रहे होते हैं कि इन सारी डेड बॉडीज का क्या मतलब है, जिसपे सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि एक्चुअल में कंपनी की तरफ से उन्हें ऑर्डर्स आए थे कि वो लोग प्रोमीथियस शिप को डुबा दे बट कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। साथ ही साथ सेबेस्टियन ये भी बताता है कि जब से वो मिस्टीरियस बच्चा इस शिप पे आया है तभी से ये सारी डेथ्स होना चालू हुई है एंड इतना सुनने के बाद वो सब उस बच्चे को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर कैप्टन आइक और रेमिरो की तरफ जाता है जहां पे इन लोगों ने फाइनली अपनी कैद से बाहर निकलने का रास्ता फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम ओलेक और जेरोम को देखते हैं जहां पे उन्होंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है बट अपने काम को करते हुए जेरोम को लूसियन के साथ के अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लूसियन और सर क्लेमेंस के ऊपर चला जाता है जहां पे क्लेमेंस उसे थोड़ा सा फोर्स करती है तो लूसियन फाइनली उसे बता ही देता है कि उसे एक्चुअल में सीजर की बीमारी है। मतलब बेसिकली उसे दौरे वगैरह आते हैं जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे ये प्रोटियशियम प्रोमाइट की दवाई लेनी पड़ती है, पर जब वो इस दवाई को ले लेता है तो उसके बाद उसकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है जिसकी वजह से वो इस दवाई को लेने के बाद अपनी क्लेमेंस को देखना पसंद नहीं करता। और सच्ची में वो अभी बस अपने दिन ही गिन रहा है, उसकी मौत जल्दी ही होने वाली है। फिर लूसियन को ड्रॉअर में जेरोम का बैज मिलता है जिसे देखने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और सेलेमेंस से पूछता है कि ये क्या है, जिसमें सेलेमेंस जवाब देती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और इतना सुनने के बाद लूसियन रूम से गुस्सा होकर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होकर मोरक तरफ जाता है जहां पे उसके सामने फ्रेंड्स के आदमी आते हैं बट सही टाइम पे अपने शिप के भी गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं। उन सब के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है जिसके बाद आइबेन के कहने पे वो सब मिलके मोरा के रूम के अंदर उस मिस्टीरियस बच्चे की तहकीकात करते हैं बट उन्हें वो मिस्टीरियस बच्चा मोरा के रूम के अंदर कहीं नहीं मिलता। तो वो लोग मोरा को उसी के रूम के अंदर बंद करके बाकियों के रूम की तहकीकात करने चले जाते हैं। मोरा अपने रूम में बैठी होती है तभी उसे कुछ खटखटाने की आवाज आती है और जब वो चेक करती है तब वो पाती है कि उसके रूम के अंदर भी कैप्टन आइक के रूम के जैसे एक सीक्रेट टनल है जिसके अंदर वो उसी मिस्टीरियस बच्चे को पाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डैनियल शिप की मशीन और अपनी मशीन को जोड़ के उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह या फिर कुछ कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओलेक की मदद से जेरोम गार्ड्स को चकमा देख के शिप के अंदर चला जाता है जहां पे उसे फिर से अपने फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, मतलब अपने पास्ट के वही फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। गार्ड से बचने के लिए वो क्लेमेंस के रूम में आ जाता है जहां पर वो क्लेमेंस को सारी बातें बताता है एंड क्लेमेंस भी उसके साथ कैप्टन आइक को छुड़ाने के मिशन में शामिल हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्रेंड्स ओलेक से पूछताछ कर रहा होता है तभी वहां पे सेबेस्टियन आ जाता है जो कि उसे बताता है कि हमें सबसे नजदीकी लैंड पे पहुंचने में भी 5 दिन लगेंगे, तब तक के लिए अगर हमें इन सरफिरे रेबल्स को कंट्रोल करना है तो हमें इन्हें वो बच्चा देना होगा। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग तहकीकात कर रहे होते हैं, तहकीकात करते करते वो एंजल के रूम में पहुंचते हैं जहां पर क्रेस्टर की मां आइबन क्रेस्टर को ताने देती है कि अगर एडा के बजाय तू मरता तो ज्यादा सही रहता,
रहता, क्योंकि उन्हें भनक लग चुकी होती है इस बात की कि क्रिस्टर और एंजल के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और वो ऊपर से बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हैं, जिसकी वजह से वो अपने सन से क्रिस्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। थोड़े बहुत और ताने खाने के बाद क्रिस्टर फाइनली गेव अप करता है, एंजल के मुंह पे थूक देता है और रूम को लीव करके चला जाता है। सीन वापस मोरा और उस बच्चे के ऊपर जाता है, जहां पर मोरा उस बच्चे से टनल्स के बारे में पूछ रही होती है, बट एज यूजुअल वो बच्चा कोई भी रिप्लाई नहीं देता। लेकिन इस बार ये बच्चा अपने ग्रीन बीटल का यूज करके दरवाजे को खोल के मोरा की हेल्प जरूर करता है। बाहर निकलने के बाद ये दोनों कैप्टन आइक की तलाश करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। सीन सिर्फ होता है, हम देखते हैं फ्रेंड्स वहां पर आता है जहां पर इसने आइक और रेमेरो को कैद करके रखा हुआ होता है, बट वहां पे आने के बाद वो पाता है कि उस रूम के अंदर कोई नहीं है, यानी कि वो लोग भागने में कामयाब हो चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैप्टन आइक और रेमेरो की तरफ जाता है, जहां पर उन्हें जेरोम और कैलेमेंस मिलते हैं। जेरोम कैप्टन आइक की वीडियो को तोड़ देता है। इसके बाद हमें इनके प्लान के बारे में मालूम चलता है, जो कि ये है कि किसी लाइफ बोट में बैठ के फिर से वापस प्रोमीथियस शिप के अंदर जाना, ताकि वो शिप के टेलीग्राफ को रिपेयर करके शिप के फोन को रिपेयर करके अथॉरिटीज को ये सारी बातें बता सके और हेल्प बुला सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लूसियन जब वापस कमरे में आता है, तब वहां पे वो कैलेमेंस को ना पाके वरीड हो जाता है और सोचता है कि शायद कैलेमेंस किसी मुसीबत में होगी, तो वो अपनी गन को उठा के कैलेमेंस को ढूंढने चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मोरा उसी ग्रीन बीटल का पीछा करते करते फाइनली कैप्टन आइक के पास आ जाती है, और बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टर इन सब चीजों को देख रहा होता है। कैप्टन आइक मोरा से पूछते हैं कि अगर वो प्रोमीथियस शिप के बारे में कुछ भी जानती है तो उन्हें बता दे, पर जब तक मोरा इस चीज को समझ पाती उससे पहले ही फ्रेंड्स वहां पे आ जाता है। वो उन सबसे बोलता है कि उन्हें बस बच्चा चाहिए, और वो बच्चा भी आराम से अपने आप को फ्रेंड्स के हवाले कर देता है। जेरोम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट फ्रेंड्स उसे गोली मार देता है, और फ्रेंड्स जेरोम को वहीं छोड़ के बाकी सबको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जेरोम को अपने पास का फ्लैशबैक आता है, जहां पर लूसियन अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ फ्रेंड्स जाने से पहले जेरोम को एक बैच देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इस पिंजरे से तो आजाद नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट इस बैज को रख लो, ये तुम्हारी जेल के अंदर काम आएगा। और जेरोम एक अपनी लास्ट कोशिश करता है लूसियन को पकड़ने की, बट लूसियन भी जेरोम के हाथ पर पंच मार के अपने आप को छुड़ा लेता है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जेरोम की आंख खुलती है, जहां पे वो पाता है कि एक्चुअल में गोली उसके हाथ पे लगी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। इसके बाद जेरोम वहीं जाता है जहां पर आइक और बाकी सब लोग बंद होते हैं, वहां के गार्ड्स को जेरोम मार के बेहोश कर देता है और आइक और बाकी सब लोगों को छुड़ा लेता है। फिर ये सारे मिलके उस बच्चे को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं, और शिप के डेक पे इनके और रेबल्स के बीच में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, और इसी मौके का फायदा उठा के आइबन उसी मिस्टीरियस बच्चे को पानी के अंदर फेंक देती है। बच्चे के पानी में गिरने के बाद सब लोग लड़ाई बंद कर देते हैं, और डैनियल मोरा को रूम में ले जाता है। लूसियन कैलेमेंस और जेरोम को साथ में देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और गुस्से में होके उसके ऊपर गन पॉइंट करके कैलेमेंस को अपने साथ ले जाता है, और रास्ते में बताता है कि कैलेमेंस जेरोम की कही हुई किसी भी बात पर भरोसा ना करे। सब कुछ शांत होने के बाद फ्रेंड्स की पूरी गैंग लोअर डेक में चली जाती है, और अपने कैप्टन आइक बाकी सबको लेके डाइनिंग रूम में चले जाते हैं। सब लोग खाना वगैरह खा रहे होते हैं, और अपने कैप्टन आइक मोरा को एक कोने में ले जाके उसे प्रोमीथियस शिप की पैसेंजर लिस्ट दिखाते हैं, जहां पे मोरा का नाम होता है, और अब कैप्टन आइक को मोरा से सारी सच्चाई जाननी है। पर कैबिनेट चमकने लगता है और वो बच्चा मिस्टीरियसली शिप पर वापस आ जाता है। उसे देखकर उस बच्चे को देखकर सब लोग वहां पे दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई ये बच्चा जिंदा कैसे बच गया और ऊपर से यहाँ कैसे आ गया। बट वो बच्चा वहां पे आके मोरा से गले लग जाता है, एंड इसी के साथ 1899 का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा।